हाँ बंदा 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 रुको 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 हिलो मत नीचे ही एकदम साइलेंट वो अरे देख लिया उसने अरे उसने देख लिया यहाँ पे बंदा यहाँ पे देख लिया अभी ऊपर है अब मिलो ये तो लेजेंड्स एक बात तो हमें माननी पड़ेगी कंपेयर टू पीसी वर्जन एपेक्स लेजेंड्स मोबाइल में आप चाहे अपने दोनों गन की मैगजीन खाली क्यों ना कर दो पर हर टाइम सामने वाला बंदा छूट जाता ही है एंड ये काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होता है और जब भी आप सामने वाले एनिमी को डैमेज देते हो तो आपको डैमेज नंबर्स देखने के लिए मिलते हैं जो कि इंडिकेट करते हैं आपने कितना डैमेज दिया है और ये बस इन्होंने शो के लिए ऐड नहीं किया ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आपके पास कितनी हेल्थ है और सामने वाले बंदे के पास कितनी हेल्थ है एंड इसलिए आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि एग्जैक्टली कैसे पता करें कि हमने एनिमी को कितना डैमेज दिया है और इसके बाद और कितना डैमेज देने के बाद सामने वाला बंदा नॉक होगा तो देखो ये चीज करने के लिए मुझे किसी की जरूरत पड़ने वाली है क्योंकि ये सामने वाले डैमेज सही में बहुत ज्यादा यूजलेस है तो इसलिए मैंने इन्फिनिटी को बुलाया हमारी मदद करने के लिए तो इन्फिनिटी सब लोगों को हाय बोलो हेलो गाइस ये सामने कोई तो खड़ा है मेरे अच्छा हमको सिखा दिया है तो देखो जोक्स असाइड इस गेम में आपके पास बेस हेल्थ रहती है 100 एचपी की और उसके ऊपर आप जो भी शील्ड लेते हो वो 25 एचपी के सेगमेंट्स में डिवाइडेड रहती है एंड अगर आप मुझे पूछते हो कि इस गेम में एक बंदे के पास कितनी मैक्सिमम एचपी हो सकती है तो वो बंदा रहेगा जिसके पास रेड इवो शील्ड है एंड बेस हेल्थ को मिला के इसके पास हो जाती है 225 एचपी सो जब भी आप इस गेम में किसी के साथ फाइट में एंगेज होते हो और अपना पहला डैमेज एक्सचेंज करते हो तो उस पहले डैमेज में आपको एनिमी की काफी सारी इन्फॉर्मेशन पता चलती है जैसे कि उस बंदे के पास कौन सी लेवल की शील्ड है और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि एक बार आपको पता चल गया एनिमी के पास कौन सी शील्ड है तो आपको एग्जैक्टली पता है कि कितना डैमेज देना है इस बंदे को जैसे कि अभी आप देख सकते हो इन्फिनिटी के पास व्हाइट शील्ड है तो उसके बेस हेल्थ के साथ उसके पास है टोटल 150 एचपी एंड जैसे मैं इसके शील्ड को क्रैक करूंगा आपको एक साउंड के जरिए इंडिकेशन मिल जाएगा कि एनिमी की शील्ड क्रैक हो चुकी है एंड इवन जो आपको डैमेज नंबर्स देखने के लिए मिलते थे शील्ड के कलर में वो भी चेंज होकर रेड में देखने के लिए मिल जाएंगे जो कि इंडिकेट करते कि एनिमी बस अपने बेस एचपी पे बचा है एंड जब भी आप इस गेम में किसी प्लेयर को नॉक करते हो एंड नो मैटर आप 100 प्लस का डैमेज दे रहे हो या फिर 200 प्लस का डैमेज दे रहे हो पर नॉक होने के बाद डैमेज डेल्ट में आपको कभी कभी आपको 100 के नीचे का डैमेज देखने के लिए मिलता है तो ये डैमेज डेल्ट वही डैमेज रहता है जो आप एनिमी के बेस एचपी पे करते हो और ये आपको ये इंडिकेट करता है कि जिस प्लेयर को आपने नॉक डाउन किया वो अपने पूरे हेल्थ में था या फिर नहीं क्योंकि जब भी यार किसी बंदे की हेल्थ डाउन रहती है वो सबसे पहले अपने शील्ड्स रिचार्ज करता है एंड अगर उसने अपनी बेस एचपी को रिकवर नहीं किया है तो आपके लिए काम और ज्यादा इजी हो जाता है सिर्फ आपको उसकी शील्ड को क्रैक करना और वो सीधा नॉक और जैसे जैसे सामने वाले प्लेयर्स के पास रेड इवो शील्ड पर्पल शील्ड ऐसे हाई एचपी वाले शील्ड्स आते हैं तो ऑटो गन से सारे बुलेट्स कनेक्ट करना थोड़ा हार्ड हो जाता है कभी कभी एंड जो डैमेज आपकी गन की मैगजीन दे सकती है उतना हम नहीं दे पाते एंड तब हमें काम में आते हैं इस गेम के वन शॉट वाले गन जैसे कि अभी इन्फिनिटी के पास ब्लू शील्ड है एंड जैसे मैं इसको विंगमैन के एक बुलेट से डैमेज देता हूँ ये 45 का डैमेज देती है बॉडी पे एंड अब ऊपर देख सकते हो उसकी ऑलमोस्ट 50 एचपी कम हो चुकी है एंड अगर यही पे मैं बॉडी की जगह इसको हेड पे शॉट कनेक्ट करता तो हमें 90 का डैमेज देखने के लिए मिलता है मतलब कि अगर सामने वाले एनिमी के पास पर्पल शील्ड है एंड अगर आप उसको विंगमैन से एक हेड शॉट देते हो तो ऑलमोस्ट वो क्रैक ही है और इस गेम के बारे में एक चीज को भी हम भूल नहीं सकते इस गेम में जितने भी सारे लेजेंड्स है उनकी हाइट्स अनइवन है जैसे कि जिब्राल्टर कॉस्टिक थोड़े चौड़े लेजेंड्स है और दूसरे एंड पे रेज जैसे छोटे लेजेंड्स है तो कॉस्टिक और जिब्राल्टर जैसे लेजेंड्स को हिट करना थोड़ा इजी हो जाता है एंड इसीलिए इन लोगों को जो भी आप डैमेज देते हो वो थोड़ा रिड्यूस्ड डैमेज रहता है जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले देखा रहेगा विंगमैन का एक बॉडी शॉट 45 का डैमेज देता है पर वही शॉट अगर मैं जिब्राल्टर को दूंगा तो वो सिर्फ 38 का डैमेज लेगा एंड हेड पे 90 डैमेज की जगह ये 77 का डैमेज लेगा सो जब भी आप 45 लेजेंड्स के सामने आते हो तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी यूजुअली आप जितना डैमेज देते हो बंदे को नॉक होने के लिए आपको उससे थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा और बाकी डैमेज नंबर्स तो आपके लिए है इंडिकेट करने के लिए आपने कितना डैमेज दिया है जैसे कि छोटा सा एग्जांपल अगर एनिमी के पास ब्लू शील्ड है तो उसके पास 75 एचपी की शील्ड्स है एंड अगर आप 75 से थोड़ा कम का डैमेज देते हो जैसे कि 60 या 65 का तो आपको इंडिकेशन मिल जाता है कि उसकी शील्ड ऑलमोस्ट क्रैक ही है सो ये सिंपल से फंडे को जल्दी से कंक्लूड करते हैं यहाँ पे आपको पहले डैमेज एक्सचेंज में एनिमी के पास कौन सी लेवल की शील्ड है पता करना है और ये पता करने के बाद आपको उस हिसाब से उसको डैमेज करके उस शील्ड को क्रैक करना है एंड जैसे कोई भी लेजेंड अपने बेस हेल्थ पे आ जाता है तो हर कोई पैनिक करेगा क्योंकि अगर वो बेस हेल्थ पे कोई डैमेज लेता है तो उसका लेजेंड फ्लिंच करेगा एंड इसी पैनिक सिचुएशन का तो हमें यूज करना है तो आई होप करता हूँ अगर आप कंफ्यूज थे कि यार हम इतना डैमेज देते फिर भी बंदा नॉक क्यों नहीं होता एंड अगर आपको वीडियो पसंद आ रहेगी तो लाइक कर देना यहाँ पे मैं ऐसे एपेक्स लेजेंड्स मोबाइल के रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ तो मेक श्योर करना आपने बाकी लेजेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना तो यहाँ पे मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में तब तक के लिए सेफ रहना और अपने परिवार का ध्यान रखना जय हिंद वंदे मातरम।